पहली चीज बन ही नहीं सकता हिंदू राष्ट्र, क्योंकि यहाँ पे पहली चीज ये शुरू से ये जो मुल्क देश है ये भारतीय भारत देश है पहली चीज। दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों कम्युनिटी के लोग यहाँ रहते हैं, ये देश सबका है। जितना ये देश हिंदू का है उतना ही ये देश मुस्लिम का, मुसलमान का है, उतना ही देश सरदारों का है, उतना ही देश ये जैनियों का है, उतना ही देश ये ईसाइयों का है। धर्म बदलने नहीं आए हैं, एक जीवन बदलने आए हैं। और आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, न्यूज नेशन हो या कोई भी चैनल हो, वो सिर्फ धर्म की बात करता है। मारपीट को कहते हैं हिंदू राष्ट्र, एक को पकड़कर घर से निकालो और उसको मारो, उसको कहते हैं हिंदू राष्ट्र। चार जने धन्यवाद कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उसको कहते हैं हिंदू राष्ट्र। आज इस देश के लिए प्रार्थना करने वाले लोग चाहिए या मारने वाले लोग चाहिए? नमस्कार, मैं ज्योति, आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूं। आपको बता दें, सरकार बार बार ये दावा कर रही है कि विकास हो रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर आखिरकार जंतर मंतर पर तमाम लोग क्या करने आते हैं। इसी प्रकार से और लोग आ गए हैं, इनका पोस्टर पर क्या लिखा है पढ़िए, मसीहों पर अत्याचार बंद करो, और देखिए हेट, स्टॉप हेट एंड वायलेंस करके बड़े बड़े होर्डिंग। और कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको दूसरी तरफ दिखाएं कि यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं जो लोग अपनी हक की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सैमसन। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं पुणे दिल्ली से आया हूँ। क्या मांगे हैं आप लोग यहाँ पर क्यों एकत्रित? सिर्फ इतनी सी है कि जो अत्याचार हो रहे हैं गांव देहात में और स्टेट्स के अंदर, वो नहीं होने चाहिए। एक्चुअली है क्या, जो क्रिश्चियन कॉमेडी जो काम कर रही है वो काम आरएसएस को करना चाहिए था, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक है। वो काम हम कर रहे हैं, हम सबकी सेवा करते हैं। हमने अस्पताल खोले हैं, स्कूल खोले हैं, कॉलेज खोले हैं, हम यहाँ पे एजुकेशन फैला रहे हैं। मैं खुद एजुकेशनिस्ट हूँ, दिल्ली के अंदर हम एजुकेशन फैला रहे हैं, सबको प्यार करते हैं। हमारा जो मकसद है सिर्फ प्रेम बांटना सब में, और वही हमारे धर्मगुरु जीसस ने हमें सिखाया है। वो हमें रोका ना जाए इन काम से। तो कौन रोक कौन रहा है? हम यहाँ इकट्ठे इसलिए हो गए क्योंकि कोई लोग तो रोक रहे हैं, जो एंटी क्रिश्चियन रोक रहे हैं। सीधी बात है, जो एंटी क्रिश्चियन रोक रहे हैं उनको मारा जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है। सारे हिंदू रोक रहे हैं। हिंदू का नाम नहीं ले रहा मैं हिंदू का नाम नहीं ले रहा, कोई तो रोक ही रहा है। जो हम कौन रोक रहा है, सवाल यही है, कोई तो रोक ही रहा है। आपको बताना चाहिए ना, आप मीडिया में कौन रोक रहा है? हाँ। सत्ता में बैठे लोग, क्योंकि हम सुनना चाहते हैं, आप लोग बोल नहीं रहे हैं ना खुल के। सवाल तो यही है, हमारे चर्च जो तोड़े गए हैं वो किसने तोड़े? हम आप बताइए हमको, क्या जा रहा है कि अवैध जगहों पे बने गए हैं इसलिए अतिक्रमण हो रहा है? यहाँ जितने भी बाहर रोड साइड पे पेड़ के नीचे जो जो धर्मों के खुले पड़े हैं, क्या वो अवैध नहीं खुले हैं? नहीं नहीं, अगर वो तो नहीं तोड़े जा रहे। सॉरी, और हमारा चर्च कहीं कोई अवैध नहीं खुला है। हमारा चर्च हमारी ज़मीन पर खुला हुआ है। बस दिक्कत ये होती है कि जो अविश्वासी लोग वहाँ आते हैं, विश्वास में आते हैं, वो खटकते हैं आँखों में कि ये कैसे प्रभु में आ रहे हैं। तो अभी मैंने आर भी तो विकास का नारा लेकर चल रही है, सबका विकास हो रहा है। सरकार विकास कर रही है, बहुत विकास हो रहा है यूपी में। मैं विकास के खिलाफ नहीं जा रही हूँ, विकास की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ बात हो रही है, यहाँ लोग जो आए हुए हैं वो चर्च तोड़ा जा रहा है, लोगों को बेघर किया जा रहा है, ज़बरदस्ती झूठे इल्ज़ाम लगा के कि ये धर्म परिवर्तन का इल्ज़ाम जो लगता है ये बिल्कुल झूठा इल्ज़ाम है। ठीक है, तो उसकी वजह से लोग यहाँ आए हैं। यहाँ सबका विकास डिस्कस करने नहीं आया है। यहाँ लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, सारी समस्याएं समाप्त। देखिए, हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता, पहली चीज़ बन ही नहीं सकता हिंदू राष्ट्र, क्योंकि यहाँ पे पहली चीज़ ये शुरू से ये जो मुल्क देश है ये भारतीय भारत देश है पहली चीज़। दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों कम्युनिटी के लोग यहाँ रहते हैं, ये देश सबका है। जितना ये देश हिंदू का है उतना ही ये देश मुस्लिम का, मुसलमान का है, उतना ही देश सरदारों का है, उतना ही देश ये जैनियों का है, उतना ही देश ये ईसाइयों का है। ठीक है, और परमेश्वर हमें बताता है, बाइबल में हमें प्रेम सिखाता है। परमेश्वर कभी ये नहीं कहता कि आँख के बदले आँख या पिटाई के बदले पिटाई। परमेश्वर कहता है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। जो तुम तो कह रहे हैं कि धूप बत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं और अपराध करते रहते हैं। बाबा रामदेव जी के लिए भी हम प्रार्थना करते कि प्रभु उनको भी कभी सत्य का मार्ग दिखाए। कह रहे सच्चाई स्वीकार नहीं होगी आप लोगों को, जो आरोप लग रहे हैं। देखिए, हम सत्य जानते हैं, सत्य मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। ये रामदेव जी अगर सुन रहे हैं तो वो सुने कि मार्ग सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। और हमारे लिए जो विश्वास में आते हैं, बाइबल हमें कभी भी ये नहीं कहती कि आप तलवार लेके पिटाई करना शुरू करो जाके। हमारे बाइबल, हमारा जो हथियार है वो हमारी प्रार्थना है।
जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया है, हम यहाँ पे आए भी हैं सिर्फ एक विनती को लेके आए हैं। आप देखिए इसका, इस प्रोटेस्ट का नाम रखा गया है पीसफुल प्रोटेस्ट, ठीक है, इट इज़ नॉट वायलेंट। आपको पता है कि पीछे भी 2018 या 20 में नहीं, ये जो हुआ था ना मोमडन एरिया में, क्या हुआ, पीसफुल नहीं था वो प्रोटेस्ट, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट पीसफुल क्यों, क्योंकि हम शांति के लोग हैं, शांति प्रेम सेवा के लोग हैं, क्योंकि यही यीशु मसीह दुनिया में दिखा के सिखा के करके गए हैं। तो जो उनको एक्सपीरियंस करते हैं वो उनके पीछे चलना चाहते हैं। और जो योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं सनातनियों का देश है ये, अब योगी नाथ जी क्या कहते हैं वो तो उन्हीं को पता होगा, मैं आपको अपना बता रही हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ, आप मेरी बात सुनिए। योगी जी हैं और भी जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उनके अपने विचार हैं, उनकी अपनी सोच है, उनके अपनी विचार हैं, उनके ऊपर मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन जो मैं आपको बाइबल बता रही, जो सत्य है वो बता रही हूँ मैं आपको, कि मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह जब वो इस दुनिया में किस लिए आए, वो इस दुनिया में हमें हमारे पापों का उद्धार करने के लिए आए थे। वो चाहते थे कि जो संबंध हमारा परमेश्वर से टूट गया है, उनके मार खाए जाने के द्वारा, उनके कोड़े सलीब पे चढ़ाए जाने के द्वारा हमारे पापों का उद्धार, उन्होंने हमके प्रेम सिखाया, उन्होंने खुद अत्याचार कर कौन रहा है, सबसे बड़ा सवाल बताइए, ये बताइए अत्याचार कौन कर रहा है, ये तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, आप बताइए, आप मीडिया में, आप पे हो रहा है ना अत्याचार, आप लोगों पे हो रहा है, जी हाँ बिल्कुल, कौन कर रहा है ये तो देखिए, जो लोग भी कर रहे हैं, मैं नहीं जानती कौन कर रहा है, जो भी अत्याचार कर रहा है, हम सरकार से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी अत्याचार कर रहे हैं उनको रोकिए। कहाँ कहाँ, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। आज कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं यहाँ पर, पूरे आई थिंक विश्व भारत भर से लोग आए हुए हैं, सामने वाला चर्च है फ्री चर्च, वहाँ से मैं आई हूँ। और किस किस प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं आप लोगों पर, चर्च तोड़े जाते हैं, लोगों को बेघर किया जाता है, झूठे इल्ज़ाम, सबसे बड़ा अत्याचार जो है वो है झूठा आरोप कन्वर्जन का, ये सबसे बड़ा अत्याचार है, इसे रोकना होगा, अगर आप इसे रोक सकते हैं तो रोकिए। मेरा नाम शैली चौहान है, मैं प्रभु यीशु मसीह में हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा धर्म किसी ने परिवर्तन कर दिया, मेरा रिलेशनशिप है यीशु मसीह के साथ, जिसकी वजह से आज मैं ठोस मसीह हूँ और मुझे इस पर गर्व है, ये है। आप मुझे ये नहीं कह सकते कि मेरे को किसी ने आके पलट दिया या बदल दिया, मुझे यीशु मसीह ने बदला है और किसी ने नहीं बदला मुझे, आज मैं उसके लिए यहाँ आई हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए यहाँ आई हूँ, कि जो मसीहों के लिए गलत बोल रहे हैं, झूठा सबसे बड़ा आरोप सिर्फ यही है धर्म परिवर्तन का। अरे धर्म परिवर्तन पैसों के लिए भी कर लेते हैं कुछ लोग, आप मुझे 2 करोड़ दीजिए, बोलिए जैन बन जाओ, मैं बताऊँगी आपको मैं बनूँगी कि नहीं, मेरे पास अपना घर नहीं है, मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करती हूँ, कभी नहीं बदलूंगी, चाहे मेरे को खाने को मिले या ना मिले, यह आपका आपका अपना संबंध परमेश्वर के साथ है। आप एक बात बताइए, मैं शादी शुदा हूँ, मेरे हस्बैंड है, कोई मुझे आके बोल दे इन्हें छोड़ दो, 2 करोड़ रुपए दूंगी, छोड़ दो, इतना प्रेम करते हैं आप प्रभु यीशु मसीह से, जो प्रेम करता है वो उसके पीछे चलेगा, चाहे आप सताएं ना सताएं, कुछ भी कर ले, वो कभी यीशु मसीह को छोड़ेगा नहीं। अच्छा, आप सहमत हैं इनकी बातों से पूरी तरह से? कारण दीजिए अगर सहमत है तो। कारण मतलब प्रभु यीशु मसीह, रीजन, वजह है भरोसा, वजह है विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। मैं हिंदू फैमिली से हूँ, मेरा नाम सौरभ चौहान है, राजपूत फैमिली से हूँ मैं, मैं अपने धर्म को, मैं मुझे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास दिखा, सच्चाई दिखी तो मैं आया। अच्छा, कैसे आकर्षित हो बोल रहा हूँ, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ किसी भी धर्म के, मैं हिंदू के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं तो वहाँ से निकला हूँ, सब धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं, सबका अपना अपना विश्वास है, हमारा विश्वास यीशु मसीह पे। मेरी फैमिली में सभी लोग हैं, सारे हिंदू हैं। लोग जानना चाहेंगे ये रुझान कैसे हो गया आपका? रुझान ऐसे हो गया, एक सच्चाई होती है ना, आप भरोसा, अगर आप एक आंखों देखा मानते हैं, आंखों से देखने पर यकीन आप करते हैं। मैं बहुत छोटे से यीशु मसीह के, मैं क्रिश्चियन बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, एक सेकुलर बोर्डिंग स्कूल जो होता है, सेकुलर जिसको बोलते हैं, सेकुलर मतलब सब लोग आते हैं वहाँ पर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग, मेरा भरोसा है, मैं मेरा प्रार्थना करना लोग, और प्रार्थना क्या थी आप हैरान होंगे, प्रार्थना थी मेरा, जो लोग बीमार पड़े हुए उनके लिए प्रार्थना करना, जो बुखार में पड़े हुए प्रार्थना करना, कि प्रार्थना कर दो, दवाई तो दे ही रहे हैं, हॉस्टल से 5वीं क्लास में था, 5th स्टैंडर्ड में, प्रार्थना करना, मैं करता क्या, अब चाहे वो सही था गलत था मुझे नहीं पता, लोग ठीक होते थे। अच्छा, आप इतना श्रद्धा रखते हैं और उस बीच में ऐसे सवाल होते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, बस कैसा लगता है महसूस कर? नहीं, ये देखिए, जब हिंदू राष्ट्र के, मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि हिंदू भी अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो दिक्कतें नहीं आएंगी आपको, हिंदू राष्ट्र आप बनाओ ना, पर ये थोड़ी है किसी एक को दबा के सता के मार के बनाया जाएगा, आप बना लो, पर ये थोड़ी कि यहाँ से निकलो, अरे ऐसा कोई थोड़ी है कि एक ही का देश है, देश तो सभी का है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी सभी का देश है, सबका देश है, आप मुझे ये बता दो कहाँ लिखा है कि ये सिर्फ देश एक ही उसका है, नहीं है ना, हिंदू भी अगर बोलोगे तो मैं हिंदू फैमिली से आया हूँ, लेकिन मेरा भरोसा पूरा है मेरे प्रभु पे,
और मैं मानता हूँ उस चीज़ को और मैं गर्व से कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे धर्म परिवर्तन करेंगे तो हिंदुओं की संख्या समाप्त हो जाएगी। धर्म परिवर्तन करता कौन है? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा। आपके पास खाने को नहीं है, आप रोड पर बैठे हो, सपोज है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब कोई एक तीसरा इंसान आया, आपको देखा, मसीहों की मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ। जब जहाँ कोई मदद नहीं करेगा ना, वहाँ एक क्रिश्चियन आएगा, अच्छा परेशान हो, ये लो थोड़ा पैसा, लो खाना खा लो, खाना खा लो, और मैं आपको खाना दिला दूँ, ठीक है, ये लो कपड़े ले लो, चल आगे अपने घर। अरे आप किसी के साथ अच्छा ही करोगे, कहते हैं ना, अगर जैसे एक सड़क पर चलते ऐसे तो पंडित भी बन जाइए, पंडित जी प्रसाद ही देते। करिए ना फिर, आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं तो पंडित तो बहुत ज्यादा है, उन्हें तो बहुत विश्वास की बात है। हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे है तो कैसे बन जाएंगे, आप बताइए। एक आप खाली एक, मैं आप अभी आपको उदाहरण दिया था कि अगर मेरे पास एक परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, उसी पे मेरा विश्वास है। मेरे को अगर आके कोई बोलेगा पैसे ले लो, मैं नहीं लूँगी, क्यों? क्योंकि मेरा रिलेशनशिप है अपने प्रभु के साथ है ना। तो अगर कोई मुझे ज़बरदस्ती मारेगा पीटेगा तो मेरे पे अत्याचार हो गया। जब मैं नहीं बदलना मांग रही हूँ, जब मैं नहीं किसी और धर्म के पीछे जाना मांग रही हूँ, तो आप मुझे मार पीट लो या कुछ भी कर लो, मैं नहीं जाऊँ। तौर पर ये देश जो है संविधान से चलेगा। अगर दूसरों की आस्था है तो इन लोगों की भी तो आस्था ही है। क्या नाम है आपका? अमित खत्री। अमित जी बहुत देर से सुन रहे थे, क्या कहना चाहेंगे आप बताइए? जो न्यूज चैनल जो आप, क्या है नाम है, नेशनल दस्तक, हाँ ये दिखाते हैं आप ऑनलाइन? हाँ बिल्कुल। क्या आप इस चीज़ को आप देखेंगे कि एक मसीह जो एक यूनिटी है जो आज यहाँ पर इकट्ठी हुई है, जो आज मसीह लोग इकट्ठे हैं, ना तो ये कोई वायलेंट कर रहे हैं, ना ये किसी को उकसा रहे हैं, वो सिर्फ एक बात बोल रहे हैं कि हमें प्रार्थना करने दो, तो उसमें प्रॉब्लम कौन रहा है प्रार्थना करने से? नहीं वही मैं पूछ रहा हूँ, रोक कौन रहा है? वो तो आपको भी पता है, न्यूज़ चैनल तो सबसे ज़्यादा उस चीज़ को जानता है, क्योंकि जहाँ चर्च तोड़ी जाती है आप हमसे ज़्यादा पहले पहुँचते हैं। वैसे तो मंदिर मस्जिद भी तोड़े जाते हैं। आप गिनती करिए ना, गिनती कीजिए उसको। अच्छा गिन के तोड़े जा रहे हैं चर्च? आज सबसे ज़्यादा, हम चर्च की बात नहीं कर रहे, आज घर के अंदर एक 20 लोग बैठे हैं और 20 लोग बैठ के यीशु का नाम ले रहे हैं, या 20 लोग बैठ करके हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उन्होंने एक प्रार्थना रख दी, तो उसके अंदर भी लोगों को प्रॉब्लम है। क्योंकि आज के टाइम में जो नेशनल दस्तक है या और भी बहुत सारे जो बिके हुए चैनल हैं, ये बिका हुआ चैनल नहीं है, मैं नहीं बताता, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। हम आप अभी मुझे नहीं पता कितनी चीजें काटने वाले हो आप, है ना, क्योंकि एक मसीहत गवाही जो होती है ना वो धर्म बदलने नहीं आती। पहली बात तो ये वीडियो आप पूरा ही जाएगा, कटने वाला वैसे भी नहीं था। सवाल ये है तो सरकार तो ये कह रही है कि अच्छे दिन आ गए हैं, ऐसे अच्छे दिन है कि आपका जो है आस्था को तोड़ा जा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, आज के टाइम में एक मसीह लोग धर्म बदलने नहीं आए हैं, एक जीवन बदलने आए हैं। और आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? न्यूज़ नेशन हो या कोई भी चैनल हो, वो सिर्फ धर्म की बात करता है कि धर्म बदल जाएंगे, क्योंकि आस्था से बड़ा कुछ नहीं है, घर धर्म बदल जाएंगे और हिंदू कम हो जाएंगे। ये घबराहट क्यों है मेरे को समझ नहीं आता। अगर एक व्यक्ति बाबाओं को मानता है, किसी दाढ़ी वाले को मानता है, किसी पगड़ी वाले को मानता है, किसी को भी मानता है, उसकी अपनी आस्था है। आज मैं खत्री परिवार से हूँ, अगर मैं यीशु को मानता हूँ, प्रॉब्लम क्या है? कह रहे हैं आप लोगों की फूट की वजह से ही तो हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहा है। तो हिंदू राष्ट्र किसे कहते हैं? हिंदू राष्ट्र किसे कहते हैं आप? हिंदुओं की संख्या जहाँ ज्यादा है, सनातनियों का देश है। मारपीट को कहते हैं हिंदू राष्ट्र? एक को पकड़कर घर से निकालो और उसको मारो, उसको कहते हैं हिंदू राष्ट्र? चार जने धन्यवाद कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उसको कहते हैं हिंदू राष्ट्र? आज इस देश के लिए प्रार्थना करने वाले लोग चाहिए या मारने वाले लोग चाहिए? एक क्रिश्चियन देश के लिए प्रार्थना कर रहा है, एक अदर जन उसको मार रहा है। तो आज जो न्यूज और बहुत सारे लोग जो दिखा रहे हैं, वो उसको उल्टा ही दिखा रहे हैं। उसको सिर्फ एक चीज़ दिखाते हैं बहुत अच्छा करके, कि इन्होंने गलत करा, इनकी वापसी करा दी, इन्होंने वो करा, इन्होंने धर्म बदल दिया। अरे भैया, कोई चौहान है, कोई मल्होत्रा है, कोई अरोड़ा है, कोई खत्री है, किसका धर्म बदला है? मैंने तो आज तक नहीं बदला। आप लोग शास्त्र पढ़ नहीं रहे हैं, तभी तो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। साथ में आए ना, जिसने पढ़ा शास्त्र में आए, शास्त्रों को पढ़ने वाले शास्त्रार्थ करें। हर एक शास्त्र के ऊपर लिखा है धर्म ग्रंथ, क्या बाइबल पे लिखा है? आपने बाइबल पढ़ी है? उसमें पवित्र शास्त्र लिखा है। वो धर्म बनाने नहीं आया है, वो पवित्र करने आया है। क्योंकि एक परमेश्वर की अगर हम व्याख्या की जाए तो परमेश्वर पवित्र है।
और वो पवित्र करने आया, आज हम उसको फॉलो करते हैं, आज उसके साथ चल रहे हैं, आज उसको देख रहे हैं, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। नागेश्वर धाम देखिए ना, आप भी चमत्कारी बन जाएंगे हिंदू राष्ट्र को बनाने में अगर एकजुट हो जाएंगे तो। एक बागेश्वर धाम अगर हनुमान जी से बात हो जाती है उनकी, देखो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, एक मसीह व्यक्ति इस देश के लिए प्रार्थना कर रहा है, और जब जब इस देश पे मसीहों को सताया गया है वो बड़े हैं कम नहीं हुए हैं। और ये भी ध्यान रखना कि जो भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है और जितना भी आप दिखा रहे हैं या जितना भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, आने वाले समय में जितना सताव बढ़ेगा उतना ज़्यादा बढ़ेंगे, जितना सताव बढ़ेगा उतना फॉलोवर भी बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया यीशु मसीह की। आज हम जब प्रभु को मान रहे हैं, हम जब प्रभु पे ईमान ला रहे हैं, हम किसी का धर्म नहीं, किसी का जीवन बदलने आए हैं। यीशु मसीह आया जीवन बदलने आया, ना कि धर्म बदलने आया। आज कोई यहाँ पर जॉन पीटर और हम उस चीज़ की सभा नहीं लगा रहे, आज हम एक मसीह की सभा लगा रहे हैं। अच्छा, किस किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है और कब से हो रहा है ये अत्याचार? आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री इस चीज़ की गवाह है, अगर आप धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे तो धर्म ग्रंथ उस चीज़ के गवाह हैं, अगर आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो न्यूज़ भी उसकी गवाह है कि तब तब अगर हम उठाकर देखें, एक मसीहों को दबाने की कोशिश की गई, उनको मारने की कोशिश की गई, उनको सताने की कोशिश की गई, वो बढ़ते चले गए। और आज 12 चेलों से यीशु ने चालू करा था, आज लोग गिन नहीं सकते, है ना। तो 12 चेलों से शुरुआत हुई थी, आज वो चेले कितने हो गए हैं आपको और हमको नहीं पता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हकीकत में लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि यीशु के शिष्य तारागण के समान बढ़ते चले जा रहे हैं। आखिरी सवाल, क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्यों एकत्रित हुए हैं और किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं? देखो मैं तो एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपके मन में सताना है सताओ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जितना सताव बढ़ेगा उतना ही मसीह बढ़ता चला जाएगा, जितना सताव बढ़ेगा उतना ही जल्दी लोग यीशु में और बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए शांति से प्रार्थना करने दो, जो असामाजिक तत्व सुन रहे हैं, जिन्होंने इस चीज़ों की धारणाएं बना रखी हैं, मैं उनको एक ही बात बोलूँगा, मसीह इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं, मसीह इस देश के लिए, लोगों के लिए, बीमारों के लिए, हर एक बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर के आगे एक मध्यस्थ बनते हैं। तो परमेश्वर हमारे जीवन में उद्धार लेकर आया है, ना कि श्राप लेकर आया है, वो मारने नहीं आया लेकिन बचाने आया। देखिए उस तरफ आप पोस्टर में देख सकते हैं कि धर्म परिवर्तन के झूठे आरोप वापस लो। धर्म परिवर्तन के झूठे आरोप लगाए जाते हैं, आप सहमत हैं इससे? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, झूठे आरोप हैं, बिल्कुल सहमत है, लगाए जाते हैं। फिर आपका वचन देते हैं प्रभु, सही शिक्षा देते हैं, ऐसा नहीं है कि जी तुम कुछ भी आरोप लगा दो, ये तो सब यहाँ की वो है। मसीह जो है ना, धर्म परिवर्तन नहीं, मन परिवर्तन करने के लिए आया था ये। हमने कह रहे हिंदुओं के भी धर्म ग्रंथ पढ़ी है ना, पाते हैं मसीह में कुछ, उनको मिलता है, कुछ शांति मिलती है उनको, बहुत कुछ मिलता है तभी आते हैं। कोई ये टॉफी नहीं है कि दिया बच्चों को अपनी तरफ, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हो रहा है, गलत है। ये गलत को बना के ना वो लेके आते हैं गलत को, लेकिन ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा हो भी रहा है ठीक है, तो उसके लिए आप एविडेंस कलेक्ट करें उस चीज के लिए, उसके लिए आप लीगली जाएं। आप ऐसे मार पिटाई ना करें किसी के साथ में, किसी की फैमिली को परेशान ना करें। जो भी चीज़ है उसका एक प्रोसीजर होता है, आप उस हिसाब से चलें। ऐसे लोगों के साथ मार पिटाई करना, उन्हें दबाना, ये तो ठीक नहीं है ना। और मुझे नहीं लगता ये तो कोई भी धर्म सिखाता होगा। अच्छा, तो क्या लगता है ऐसे दबाने से वो लोग दबने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं मुझे लगता है। मुझे और जैसा कि ब्रदर ने बोला अभी कि जितना ही उनको दबाया जाएगा, मुझे लगता है शायद वो उतना ही मल्टीप्लिकेशन और होगा। क्या नाम है आपका? अंकिता। अंकिता पूरा नाम क्या है? अंकिता ही है। अंकिता ही नाम है। समर्थन में क्यों आए हैं, कारण क्या था? क्योंकि मैं खुद एक क्रिश्चियन हूँ, मैं खुद एक मसीह हूँ, यीशु मसीह में। मैं पैदाइश से ही जो यीशु मसीह में हूँ, मैं एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुई, मेरी मम्मी ने मुझे वही सारी शिक्षा दी है और मैंने खुद भी यीशु मसीह को जाना है। अच्छा, इस क्योंकि आप यंग हैं, इस एज में आपने फेस किया कि आप लोगों पर अत्याचार किया जाता है, फोर्स किया जाता है? अभी तक हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिनके साथ ऐसा होता है हम उनका साथ ना दें। वो भी तो हमारे भाई हैं, वो भी तो किसी ना किसी के बेटे हैं या किसी की माँ होंगी। आप लोगों के साथ नहीं होता तो किनके साथ होता है फिर?
किनकी आवाज उठा रहे हैं? तो कल को हो भी सकता है हमारे साथ, क्या पता। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग हैं और मैंने कई सारे लोगों से बातचीत करी है। कैमरामैन आपको फिर से दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर केवल महिलाएं नहीं, पुरुष नहीं, बल्कि कई सारे राज्यों से कई सारे लोग एकत्रित हुए हैं। सवालात ये हैं कि जब हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुँचती है तो कई सारे लोग परचम लहराने लगते हैं कि उनकी आस्था को, उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाया गया है, लेकिन जब यही बात इन लोगों की है तो आखिरकार सरकार चुप्पी साध के क्यों बैठी है, जवाब क्यों नहीं दे थी, बेवजह इन लोगों के घरों को क्यों तोड़ा जा रहा है, जो बेवजह के आरोप इन पे लगाए जा रहे हैं वो क्यों लगाए जा रहे हैं, इन लोगों के यही सवालात हैं। खैर, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कैमरा पर्सन तोहित के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।